नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एक्सपर्ट आसिन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर रहें, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, एग्जामिनेशन को पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके नोट्स बनाएं, और क्योंकि बाहर जाना खतरनाक है और प्रशासन के जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स बाहर कार्य कर रहे हैं उनका भी हम सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी से मुक्त हो सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में। और जहाँ तक इस टॉपिक की बात है दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक है और हर क्रॉप्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसका जिक्र होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक आवश्यकता समझी कि इस टॉपिक को बाहर निकाला जाए। सारी म्यूटेंट वैरायटी जो बार बार पूछी गई है या पूछी जाती है उनको हम एक जगह पढ़ें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि म्यूटेंट वेराइटीज़, 5-7-10 फिसलों की जो म्यूटेंट वेराइटी है बार बार पूछी जाती है, उनको हम एक जगह लाने का प्रयास करें। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं वैसे तो दोस्तों जो म्यूटेंट हैं, लेकिन मोस्टली जो पूछी जाती है उन 12-13 वेराइटीज़ या 12-13 फसलों की वेराइटीज़ पर आज हम कंसल्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहली अगर बात की जाए तो मोस्टली इसी क्वेश्चन या इसी फसल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चावल की उत्परिवर्तित किस्म। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन जो है जगन्नाथ वैरायटी पर पूछा जाता है। दोस्तों, पूछा जाए कि जगन्नाथ वैरायटी किसकी उत्परिवर्तित किस्म है, तो चावल की उत्परिवर्तित किस्म है। उसके अलावा दो किस्में और हैं, सत्तारी और लक्ष्मी, ये भी इसी की म्यूटेंट वैरायटी है। अगर हम बात करें गेहूं फसल की तो दोस्तों सरबती सोनारा और पूसा लर्मा ये इसकी म्यूटेंट वैरायटीज थी। वर्तमान में ये प्रचलन में नहीं है वैरायटी, लेकिन यहाँ से भी एक बार BHU में क्वेश्चन पूछा हुआ है गेहूं की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो पूसा लर्मा और सरबती सोनारा इसकी म्यूटेंट वैरायटी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अरंडी की म्यूटेंट वैरायटी की, तो अरुणा नाम की एक किस्म है, ये अरंडी की म्यूटेंट वैरायटी कहलाती है। उसके बाद फलों में हम बात करें दोस्तों, तो पपीते की जो फेमस किस्म है छोटे हाइट में पूसा नन्ना, ये उत्परिवर्तित किस्म है। आम में जो एक क्रोसिका किस्म है ये भी उत्परिवर्तित किस्म कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जो सरसों की किस्म है पूसा जय किसान, ये उत्परिवर्तित किस्म कहलाती है। इसके अलावा इसमें एक किस्म और है क्रांति, ये भी उत्परिवर्तित किस्म में की श्रेणी में आती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्रॉप दोस्तों टमाटर की, तो टमाटर में भी सेलेक्शन 12 और पूसा लाल मिरुटी दो ना किस्में हैं जो उत्परिवर्तित किस्मों की श्रेणी में आती है। उसके बाद दोस्तों हम कपास की बात करें तो MCU7 और MCU10 नामक दो किस्में हैं जो म्यूटेंट वेराइटीज की श्रेणी में आती है। उसके बाद दोस्तों उड़द की बात करें TAU1, अगर हम राजमा की बात करें पूसा पार्वती, पूसा पार्वती ये जो किस्म है ये म्यूटेंट वैरायटी है और मोस्टली इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है राजमा की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो पूसा पार्वती राजमा की म्यूटेंट वैरायटी है। उसके बाद दोस्तों हम पालक की बात करें तो जोबनेर ग्रीन जो वैरायटी है जो जोबनेर से निकली हुई है उस वैरायटी को भी म्यूटेंट वैरायटी कहते हैं, वो भी म्यूटेंट मेथड से बनी हुई वैरायटी है। उसके बाद अगर हम बात करें मूंग की तो पंत मूंग एक और मोठ में मारू वैरायटी जो है वो उत्परिवर्तित किस्में हैं। उसके बाद हम चने की बात करें तो RS6, RS11 और गुलाब की मदहोश, शारदा, अंगारा और एक वैरायटी और है दोस्तों सुकुमारी। वैसे तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो म्यूटेशन से तैयार हुई है, उत्परिवर्तित है, लेकिन मुख्यतः ये चार किस्में हैं, इनमें से सुकुमारी और शारदा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये दो चार वैरायटीज हमने गुलाब की लिखी है, मदहोश, शारदा, अंगारा या सुकुमारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों म्यूटेंट वैरायटी से रिलेटेड ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और हमारा एग्री एक्सपर्ट आसिन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।